तेग बहादुर साहिब चौक की ओर से 52वीं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2024 पर गए यात्री जत्थे की राजी खुशी कानपुर वापसी हुई। कानपुर लौटे इस यात्री जत्थे का सम्मान श्री हेमकुंड सेवा सोसाइटी द्वारा गुरुद्वारा संतनगर में किया गया, जिसकी अगुवाई भगवंत सिंह चड्ढा ने की। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में रमिंदर सिंह भाटिया के साथ साथ लाडी बिंद्रा, रिम्पी बिंद्रा, सुरेंद्र सिंह नागपाल, परमजीत सिंह छाबड़ा, राजू बत्रा, भूपिंदर सिंह, सतपाल सिंह, हरमूर सिंह, अमरीक सिंह सोनू आदि लोग मौजूद थे। वहीं आपको बता दें कि श्री हेमकुंड सेवा सोसाइटी सन 1969 व 1972 से ऑल इंडिया में श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कराती आ रही है, जिसमें वे सभी यात्रियों को बसों द्वारा अथवा ट्रेनों द्वारा सुरक्षित श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कराकर वापस लेकर आती है। समिति लगभग 52 सालों से निरंतर यात्रियों को श्री हेमकुंड साहिब के सकुशल दर्शन कराने का कार्य कर रही है। साहिब जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के श्री हेमकुंड सेवा सोसाइटी जो जत्था गया होया सी गुरबाणी के पार बख्शन कृपा का सदका वा अपने ग्रह विखे पहुंचा है। एक बेनती है जिहड़ी संगत जा रही है उठ के कृपा करके गुरु का लंगर जरूर छक के जाओ। हेमकुंड सेवा सोसाइटी इसकी स्थापना इस तरह हुई तो सबसे पहले बेनती करांगे पहुंच के गुरु महाराज का सम्मान लैन की कृपालता करो। असीस जरूर बख्शनी है। यह छोटा जहा बच्चा उन्होंने पोतरा है, धरती सेवा करता रहे बाबू। इधर देखो जसपाल सिंह जी शाह हुई बहुत ही सम्मानित आत्मा सी। सुरजीत सिंह जी शाह गुरमीत सिंह जी पूरी पूरी रात बैठ के इन्होंने सेवा की है। बहुत ही सीनियर मेंबर है। त्रिलोचन सिंह जी सुशासन धर्मों को हमेशा करते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा अकाली धर्मशाला में श्री हेमकुंड सेवा सोसाइटी के जो मेंबर महाराज के दर्शन करने गए थे तप स्थान पर, आज सकुशल सब वापस पहुंच चुके हैं और आज सबका सम्मान गुरुद्वारा धर्मशाला में बहुत प्यार सत्कार से हेमकुंड सेवा सोसाइटी कर रही है। इन्होंने तकरीबन 100 यात्रियों को सम्मानित किया है और जो पुराने मेंबर थे उनको भी उन्होंने सम्मान बख्श किया है। गुरु का अतुट लंगर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है अकाली धर्मशाला के मेंबरों का जिन्होंने इस समागम में इन सेवा सोसाइटी को अपने यहाँ बुला के और गुरु की संगत को कीर्तन द्वारा निहाल किया है और सबको सम्मानित किया गया है। गुरुद्वारा धर्मशाला कमेटी के मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद है। हेमकुंड सोसाइटी की तरफ से आप जी इसी तरह गुरु के लंगर चल रहे हैं और गुरु की संगत खुशियाँ मान रही हैं। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी की। गोविंद सिंह बिंद्रा जो कि इस हेमकुंड सेवा सोसाइटी के पुराने सीनियर मेंबरों में से हैं, हमारे बड़े भाई साहब जगजीत सिंह जी बिंद्रा, भगवान सिंह जी चड्ढा, जो और भी पुराने सीनियर मेंबर थे, कुछ तो गुरु महाराज की गोद में चले गए, कुछ अभी भी हैं और बाकी हेमकुंड सेवा सोसाइटी के जितने भी मेंबर हैं। ये यात्रा 1972-1969 से चलती आ रही है। पहले जो हमारे सीनियर सेवादार थे वो लेके जाते थे, अब वो बुजुर्ग होने की वजह से हम हमारी नई जनरेशन नए बच्चे जो है इस सेवा सोसाइटी को अगवा कर रहे हैं और सारी संगत को
गुरु हेमकुंड साहब जी के लिए लेके जाते हैं, उनको सुख शांति लेके जाते हैं, सुख शांति लेके आते हैं, सारी सेवा भावना और अच्छी तरह उनका आह्वान करते हैं और सुख शांति लेके आते हैं और गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के हेमकुंड साहब के दर्शन करा के वो कानपुर तक के लेके आते हैं। आज कम से कम 100 आदमी का जो इस यात्रा के साथ गए थे उनका सम्मान किया गया और गुरु का लंगर भी चल रहा है। तो जो किया है गुरु का तुट लंगर सब खा के खुशियां मान के इस सेवा सोसाइटी को श्रद्धांजलि मतलब सुख शांति से देख कर जाओगे आगे ये बच्चे जो हैं चढ़ती कला से सेवा करें और गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त करें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.